हमीरपुर बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कस दिया है और इसी कड़ी में जिला हमीरपुर मुख्यालय के साथ लगते बाईपास पर बिजली बोर्ड की टीम ने भवन निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा है। कंपनी के ठेकेदार ने बाईपास पर निर्माण के दौरान बिजली लाइनों से सीधा कनेक्शन लिया था। हमीरपुर में इस तरह बिजली विभाग की कारगुजारी के चलते बिजली चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बिजली उपमंडल 2 के एसडीओ की अगुवाई में बोर्ड की टीम ने छापा मारकर ठेकेदार को रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। बोर्ड की टीम ने कंपनी को 1,20,889 रुपए जुर्माना ठोका है। हमीरपुर के बाईपास के पास एसडीओ ने बाईपास पर हो रहे निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में लगी कंपनी के मजदूर बिजली लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन लेकर मशीनें चलाई थी। इस पर कार्यवाही करते हुए एसडीओ ने कंपनी को 1,20,889 रुपए जुर्माना लगाया है। संबंधित ठेकेदार ने जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया है। एसडीओ राकेश शर्मा ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान बाईपास पर निर्माण कार्य में लगी कंपनी के ठेकेदार को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। संबंधित कंपनी ने बिजली लाइन से सीधा कनेक्शन लेकर मशीनरी चलाई हुई थी। बिजली चोरी करते पकड़े गए कंपनी को 1,20,889 रुपए जुर्माना डाला गया है। पर ये साथ में ही वासु कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ पर 3 फेज टेम्परेरी मीटर ऑलरेडी उनका एडजस्ट कर रहा लगा हुआ है, तो उस मीटर को थोड़ा सा उन्होंने बाईपास करके ग्राइंडर चला रहे थे, तो उनको रंगे हाथों हमने पकड़ा और उनसे हमने 1,26,000 की पेनल्टी डाल करके पैसा जो है वो बरकरार किया। यहाँ पर एक प्राइवेट मकान है, तो वहाँ जो मीटर लगा हुआ था उसको भी बाईपास करके वो बंदा डायरेक्ट बिजली चोरी कर रहा था, उसको भी रंगे हाथों हमने पकड़ा है और उसको हमने जो पेनल्टी डाली है वो 17,330 रुपये की डाली हुई है। और उसने मौके पर माफ़ी मांग के कि मैं इन फ्यूचर ऐसा काम नहीं करूँगा, पैसा जमा कराया और फिर उसको छोड़ दिया। उसका जो मीटर था वो भी हमने नया लगा दिया उसको।